जय हिंद दोस्तों। अभी रूस और यूक्रेन के जंग के बीच कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत ने रूस से एडिशनल MiG-29 और Sukhoi-30 MKI के डील को कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब उसी डील को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके मुताबिक भारत रूस के साथ एडिशनल MiG-29 और Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट और Kamov-Ka-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सौदे को रद्द करने पर अभी कोई ऑफिशियल फैसला नहीं लिया गया है। टेक्निकल रूप से सभी डील समीक्षा के लिए टेबल पर हैं और स्थानीय स्तर पर निर्मित होने वाले हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी सामग्री को लेकर Kamov-Ka-226 हेलीकॉप्टर लंबे समय से अटका हुआ है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हिंदुस्तान एयरनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा विकसित स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH अब तैयार है। इस सौदे पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सेना ने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को तत्काल बदलने की आवश्यकता के साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकता से अवगत कराया है और कुछ कामों 226 हेलीकॉप्टर को सेल्फ से लाने के लिए जोड़ दिया है। अधिकारी ने कहा कि कामों 226 सौदे पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। 2015 में भारत और रूस ने कम से कम 200 Kamov-Ka-226 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए इंटर गवर्नमेंट समझौता किया था, जिसमें से 60 सीधे आयात किए जाएंगे और शेष 140 स्थानीय रूप से निर्मित होंगे। Kamov-226 में फ्रांस के इंजन लगे हैं, जिससे डील के लिए एक समस्या है क्योंकि रूसिया पे बहुत सारे सैंक्शन लग गए हैं। एडिशनल MiG-29 और Sukhoi-30 MKI की बात करते हैं। जुलाई 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए 21 MiG-29 लड़ाकू जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। साथ ही 59 मौजूदा MiG-29 जेट के अपग्रेड के लिए 7,418 करोड़ रुपए और 12 Sukhoi-Su-30 MKI विमानों की लागत का अनुमानित 10,730 करोड़ रुपए लगाया था, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित है। हालांकि रूसी पक्ष द्वारा हाई कॉस्ट पर चर्चा में देरी हुई और अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अब सभी मतभेद को दूर कर लिया है और एक समझ पर पहुंच गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सौदे को अब रक्षा मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इन विमानों के लिए वास्तव में कोई ऑप्शन नहीं है, जो केवल मौजूदा बेड़े को बढ़ाने के लिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि IAF अपनी लड़ाकू ताकत में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। डील अब सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि अगर इसमें और देरी होती है या इसे अभी टाल दिया जाता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा और लागत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।